हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि अच्छा ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ये है कि आरबीआई का जो नया रूल्स आया है, एक और रूल्स कुछ दिन पहले ही आया था 12 तारीख को, और एक रूल्स आया है वो है मतलब आपका जो ऑटो डेबिट रिलेटेड, यानी ECS जिसका है, SI जिसका है, SI मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये रिलेटेड चीज़ के ऊपर एक नया अपडेट आया है जो आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी लोन लिया है या लेना चाहते हैं, या लोन लेके आपका EMI देने में दिक्कत आ रहा है, तब मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर मैं नया नया जानकारी देने का कोशिश करता हूँ और आपका हेल्प भी करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कमेंट का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना है वो है कि RBI का जो नया रूल्स आया है वो है कि 5,000 रुपया का ऊपर अगर आपका ECS यानी EMI जो आपका अकाउंट से मतलब ऑटो डेबिट होता है, वो अगर 5,000 रुपया के ज़्यादा है EMI का अमाउंट, तो आपका परमिशन लेना ज़रूरी है। मतलब ये कैसे हो गया? मान लीजिए आपका एक मोबाइल आपने लोन पे लिया है, तो उसका क्या है, उसका EMI आया है पर मंथ मान लीजिए कि 1,000 रुपया, 2,000 रुपया ऐसा, तो 5,000 से नीचे है, तो उससे इसीलिए परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना। और आपको मतलब जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन आपको एक फॉर्म में जिसको बोलते हैं ECS फॉर्म, उसमें उसको उन लोगों ने साइन करवा लिया था, आपका ATM कार्ड से उन लोगों ने आपका अकाउंट के साथ ECS फिट करवा दिया था ऑटो डेबिट। इससे क्या होता है कि आपका जिस अकाउंट आपने उस लोन लेने के टाइम में उन लोगों को प्रेजेंट किया था, उसी अकाउंट में एक ECS फिट हो जाता है, जो हर महीने एक तारीख को, मतलब 2 तारीख हो सकता है, 3 तारीख हो सकता है, 5 तारीख हो सकता है, इस टाइम में वो आपका अकाउंट से वो पैसा काट के एज EMI बैंक को जमा हो जाता है। यही मतलब मेन फंडा है। तो इसमें क्या है, अभी क्या है, अभी 5,000 रुपया से अगर ऊपर आपका EMI अमाउंट काटने वाला है बाई ECS हो या SI हो, मतलब SI मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो वो सब होने के पहले ही बैंक को आपको पहले तो मोबाइल में SMS के जरिए आपको नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है, सूचना देना ज़रूरी है बैंक की तरफ से कि आपका 5 तारीख को ये डेट को इन साल आपका मतलब इतना अमाउंट का EMI ये लोन में कटेगा, आप थोड़ा बैलेंस अपना अकाउंट में रखिए। ये इन्फॉर्मेशन तो आता ही है आप लोगों को, आपको पता है, पर उसके साथ और एक होगा वो है 5,000 रुपये के अगर अमाउंट है तो बैंक को OTP भेजना पड़ेगा आपको, मतलब आर यू एग्री विद द अमाउंट ऑफ रिपेमेंट, मतलब आपका आपने सम्मति दे रहा है कि आपका अकाउंट से हम 5,000 रुपया से ज़्यादा बाई ECS हो या SI हो आपका अकाउंट से डिडक्ट करके हम लोन में जमा करेंगे, ऐसा एक SMS विथ OTP आपको आने वाला है। तो अगर मतलब ये आपको अच्छा लगा है जानकारी तो लाइक कीजिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं मिला है 5,000 रुपये के ज़्यादा आपका ECS है, EMI अमाउंट है, वो अकाउंट से ही काटता है, और उसके बावजूद आपका कोई परमिशन नहीं लिया बैंक, ऐसे ही मतलब काट दिया विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन और विदाउट OTP मतलब जब वो काटने वाला होगा तब एक OTP आएगा कि आपका अकाउंट से ये अमाउंट उस अकाउंट में जा रहा है, आप अपना OTP नंबर बताइए, ऐसा कुछ करके आएगा। तो अगर आप OTP देते हैं मतलब आपका कॉन्सेंट देते हैं, आप एग्री होते हैं, तभी आपका अकाउंट से 5,000 से ज़्यादा रुपया कटेगा, उसके नीचे अगर EMI है तो पहले जैसा प्रोसेस ही चलता रहेगा। तो अगर आपका ECS अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है और ये सुविधा आपका नहीं मिल रहा है तो आप बैंक से सीधा संपर्क कीजिए, हो सके तो उसको लेटर भेजिए, ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं यथा संभव आपका कमेंट का उत्तर देने का प्रचेष्टा करूँगा। ओके, बाय, थैंक यू व्यूअर्स वेरी मच।